दोस्तों अभी मैं हूँ राजघाट पुल पे और आज सामने आप देख सकते हैं क्या ही लहर बन रही है इस समय माँ गंगा में। और इधर तरफ आपको दिखाऊं, देखिए गजब ही जलकुंभी लगातार यहाँ पर आ रहा है। शायद डैम से पानी छोड़ा गया है, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा नमो घाट दिखाने के लिए कि कैसा कुछ नज़ारा है नमो घाट पर। और यहाँ से मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ से भी नमो घाट का एक व्यू दिख जाता है कि कैसा कुछ लग रहा है इस समय नमो घाट का नज़ारा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बड़ा वाला नमस्ते तो थोड़ा वो दिखाई दे रहा है, अभी भी वो डूबा ही हुआ है। आगे चलेंगे आपको नमो घाट की तरफ दिखाने के लिए कि कैसा कुछ नज़ारा है, ऐसा कुछ दिखता है राजघाट पुल से नमो घाट। ये रहा माँ गंगा का एक खूबसूरत और विहंगम नज़ारा, चलते हैं आगे राजघाट पर। दोस्तों अभी हम लोग रविदास घाट पर है, सामने है संत गुरु शिरोमणि रविदास मंदिर। और अभी मैं दिखाऊं तो जो पिछला वाला लेवल था उससे हल्का सा नीचे है, लेकिन फिर से एक बार माँ गंगा बढ़ रही हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी कम से कम 10-15 दिन लगातार बढ़ती रहेंगी। ये नाव लेके कौन जा रहा है, ये बीचों बीच देखिए नाव लेके जा रहे हैं, वो नाव चला भी नहीं रहे होंगे, लहर इतनी तेज़ है कि वो खुद ही माँ गंगा उनको लेके चली जाएंगी जहाँ भी जाना होगा। वैसे और कोई नाव नहीं है, देखिए सिंगल ही जा रही है, इसके अलावा और कोई नाव आपको यहाँ से वहाँ तक दिखाई नहीं देगी और अलाउड भी नहीं है। अब अगर दूसरी तरफ से दिखाऊं तो ये आपका रास्ता चला जाता है आगे से नमो घाट की तरफ, और इस तरफ दिखाऊं तो पिछली बार से थोड़ा कम है। ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन तक पूरा पानी आया था, ये जो आप सामने वाला पोर्शन देख रहे हैं ये भी पूरा डूब गया था, तभी थोड़ा सा नीचे है लेकिन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो किसी भी समय फिर वापस वही पुराने वाले रूप में आ जाएंगी माँ गंगा। दोस्तों राजघाट से आगे भैंसासुर घाट के पास हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि वैसे ज़मीन नहीं है, ज़मीन इससे थोड़ा नीचे है, ये सिल्ट जमी हुई है और पानी लेकिन चढ़ता हुआ अब यहाँ तक आ गया। इसके पिछली बार जब हम लोग आए थे तो पानी जो आप नाव खड़ी देख रहे हैं वहाँ तक चला गया था, और बीचों बीच जो है लहरें बहुत तेज़ है, जो कि मैं आगे से चल के आपको दिखाऊँगा कि लहरें कैसे कुछ दिखाई दे रही हैं। अभी मैं हूँ ये राजघाट पुल के जस्ट नीचे और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर इस समय सिल्ट ही सिल्ट है और इसकी सफाई होगी भी नहीं क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं है कि किस वक्त माँ गंगा फिर से बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों सामने अगर दिखाऊं तो ये रहा खतरे का निशान जो लाल कलर का आप देख रहे हैं, जहाँ तक आप गीला देख रहे हैं वहाँ तक इसके पहले पानी आया था, यानी उससे बस थोड़ा सा आई थिंक 1.5 फीट मैक्सिमम बचा है और उसके बाद पुराने वाले रिकॉर्ड पर माँ गंगा आ जाएंगी। नमो घाट पर तो अभी आपको सिल्ट ही सिल्ट नज़र आ रही है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसके नीचे वाला पोर्शन तो डूब ही चुका है। और इधर से मैं आपको अगर दिखाऊं तो आगे अभी हम लोग चलेंगे नमो घाट की तरफ, दिखाएंगे आपको कैसा कुछ नज़ारा है। तो ये नमो घाट की तरफ रास्ता आता है और आज मैं देखा कि फूड कोर्ट खुला हुआ है, जनरली इसकी पहले बार बार मैं आ रहा था तो बंद ही दिखाई दे रहा था, तो सारे दुकान तो नहीं, उधर से आप देखेंगे दो दुकानें बंद भी हैं उधर, लेकिन इधर के ठीक ठाक दुकान खुले हैं। तो अगर आप अभी घूमना आना चाहते हैं नमो घाट की तरफ तो आ सकते हैं। दो ट्रेनें एक साथ राजघाट पुल पर देखने का मज़ा ही कुछ और होता है, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा लगता है ये। अभी जस्ट मैं हूँ नमो घाट के ओपन थिएटर के पास, आज फूड कोर्ट पर थोड़ी चहल पहल दिखाई दे रही है, लोग आए हैं खाने पीने के लिए। ओपन थिएटर के पास अभी भी पानी नहीं आया है लेकिन जस्ट बगल में ही है, थोड़ा सा दूरी पे है, जल्दी ही पानी यहाँ पर आ भी जाएगा। तो ये है आपका नमो घाट, ऐसा कुछ नज़ारा। और इधर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ दिख रहा है इस समय नमस्ते वाला स्ट्रक्चर के आसपास का नज़ारा। अभी देखिए ये पुराने वाले नमस्ते पे पानी नहीं चढ़ा है, जब तक पुराने वाले नमस्ते के ऊपर पानी नहीं आता ये समझिए कि अभी पुराने वाले लेवल से पीछे ही है। पुराने वाला लेवल जो है ना, ये जो नमा नमा का न दिख रहा है ना, उसके आसपास पानी आया था, तो अभी लगभग 1.5 फीट नीचे हैं, हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में आ जाएँ, लेकिन वो जो 75 फीट वाला है वो डूबा हुआ है, वो तो काफ़ी समय से ही डूबा हुआ है, चलेंगे उधर से भी ले चल के आपको दिखाएंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं 75 फीट नमस्ते स्ट्रक्चर के पास, थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि गाना बजा रहा है, कॉपीराइट का डर रहता है, और यहाँ से ऐसे ही कुछ नज़ारा है। तो दोस्तों 75 फीट वाले स्ट्रक्चर के पास हम लोग आ चुके हैं फेज 2 की तरफ से, और अभी मैं आपको दिखा दूँ ग्रिल का छोटा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है जो कि कल भर में डूब जाने वाला है। और इधर से अगर मैं आपको दिखाऊँ कि कैसा कुछ हालात है, तो देखिए जो ऊपर वाला घाट है नमो घाट का, उस पर पानी अब चढ़ने लगा है ना, कल भर में मुझे लगता है कि इसके पास आ जाएगा। और ऐसा ही कुछ नज़ारा है, थोड़ा तेज चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि गाना बजाने लगते हैं सारे। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा है, चलते हैं आपको फेज 2 की तरह थोड़ा बहुत नज़ारा दिखाने के लिए।
बच्चों के खेलने वाले सेक्शंस में थोड़ी एक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। कुछ नए टाइप के राइडर्स आए हैं, है ना, ये कुछ नया है। तो नमोघाट की तरफ आ रहे हैं तो ये आपको थोड़ा कुछ नया दिखने वाला है फेज टू की तरफ। तो आजकल यही वाला जो आप देख रहे हैं झूला बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर जगह आपको इंस्टाग्राम पर भी नज़र आ रहा होगा। फिलहाल तो धूप है, जल रहा होगा शायद, इसलिए उस पर कोई है नहीं। और मैं भी आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे कोई मतलब नहीं है, धूप है, गर्मी लगेगा, फ़ायदा नहीं है। और यहीं से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसा कुछ नज़ारा है। पूरे घाट पे तो गाना ही बजता रहता है, बोलते बोलते दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ये फेज़ टू का ऐसे ही कुछ नज़ारा है। एक मेरे को यहाँ पर नया फूड स्टॉल भी दिख रहा है, नया खुला है, लेकिन है आइटम वही, मैगी वैगी ही बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा ये था नमो घाट का आज का। रिपोर्ट मिलता है आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।